नमस्कार, मैं ज्योति सिंह। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में छात्रों के बीच खूनी झड़प हुई। यहां लेफ्ट और राइट विंग के छात्रों के बीच लाठी डंडे चले हैं। मारपीट की घटना जनरल बॉडी मीटिंग के दौरान हुई। तीन घायल छात्रों का मेडिकल भी करवाया गया है। यह मारपीट पुलिस के संज्ञान में है। हालांकि उनका कहना है कि उन्हें अब तक लिखित शिकायत नहीं मिली है। क्या है पूरी खबर जानने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। जानकारी के मुताबिक 29 की देर रात जेएनयू के स्कूल ऑफ लैंग्वेज में जनरल बॉडी मीटिंग चल रही थी। इस दौरान लेफ्ट और राइट विंग के छात्रों के बीच किसी बात को लेकर झड़प हो गई। इस झड़प ने जल्द ही खूनी तस्वीर अख्तियार कर ली। इस दौरान कई छात्र एक दूसरे पर डंडे बरसाते नजर आए तो कुछ छात्रों ने लात घूंसे चलाए। बताया जा रहा है कि पूरी रात जेएनयू में दोनों तरफ के छात्रों के बीच हिंसा की स्थिति बनी रही। दोनों ही छात्र दल एक दूसरे पर हिंसा करने का आरोप लगा रहे हैं। लेफ्ट विंग के छात्र इस पूरे मामले को एबीवीपी की गुंडागर्दी बता रहे हैं, तो वहीं राइट विंग के छात्र इसे कैंपस में नक्सली हमला बता रहे हैं। बता दें कि कैंपस में छात्र संघ चुनाव की तैयारी 4 साल बाद शुरू हो रही है। दोनों छात्र संघों के बड़े संघर्ष के बाद छात्र संघ चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो पाई है। इससे पहले 10 फरवरी को भी जेएनयू में देर रात छात्र संगठनों के सदस्यों के बीच मारपीट का मामला सामने आया था। इस झगड़े में कुछ छात्र घायल हो गए थे। दरअसल जेएनयू में चुनाव से पहले जनरल बॉडी की मीटिंग होती है। इस मीटिंग में सभी छात्र संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद होते हैं और जनरल बॉडी के कम से कम 10% छात्रों के हस्ताक्षर की जरूरत होती है। चुनाव से पहले यह प्रक्रिया पूरी करनी होती है। इसके बाद सीएससी का चुनाव होता है, तब और मेन चुनाव शुरू होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।